अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान रहे। पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शोभा यात्राएं निकाली गईं और राम नाम की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। और इसी क्रम में बेलराया खीरी में भी एक अलग तस्वीर नजर आई। आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कस्बा बेलराया चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन बेलराया कुसाही हरद्वाई होते हुए भ्रमण करने के बाद बेलराया चौराहे पर शोभा यात्रा समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाओं व बुजुर्गों ने अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री राम के साथ ही लक्ष्मण और माता सीता की भी एक मनमोहक झांकी निकाली गई, जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो आ रही है बेलराया से, वो हम आपको दिखा दें। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने एक अलग ये खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बेलराया से है और यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों भक्तगण मौजूद रहे, कई नेता भी मौजूद रहे, भंडारे का भी आयोजन किया गया और साथ ही इस दौरान भारी पुलिस भी तैनात रही ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना होने पाए। कस्बे के व्यापारियों के तत्वाधान में अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने साथ भगवा ध्वज को लेकर शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के जयकारे लगाकर भ्रमण किया। इस अवसर पर कई नेतागण और हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने एक खूबसूरत तस्वीरें, मनमोहित करने वाली तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। देखिए तस्वीरें।